सड़क पर चलने वाले मजदूर को कर्ज की नहीं जेब में पैसे की है जरूरत, आर्थिक पैकेज पर बोले राहुल गांधी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर की मीडिया से बातचीत। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से न्याय योजना को लागू करने की है मांग। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया से हुए रूबरू। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से न्याय योजना को लागू करने की है मांग। राहुल गांधी ने कहा कि माँ और बच्चों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जब बच्चों को चोट लगती है तो माँ बच्चे को कर्ज नहीं देती है, वो एकदम मदद करती है। भारत माता को अपने बच्चों के लिए साहूकार का काम नहीं करना चाहिए, उसे बच्चों को एकदम पैसा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो प्रवासी मजदूर सड़क पर चल रहे हैं उन्हें कर्ज की नहीं जेब में पैसे की है जरूरत। राहुल गांधी ने कहा कि पूरा देश इस समय एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, लोगों को आज पैसे की जरूरत है, ऐसे में सरकार को साहूकार के जैसे काम नहीं करने चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मैंने सुना है कि आप पैसे न देने का कारण रेटिंग है, अगर आज हमने थोड़ा घाटा बढ़ा दिया तो बाहर की एजेंसियां भारत की रेटिंग कम कर देगी और हमें नुकसान होगा। मैं पीएम से कहना चाहता हूं कि हमारी रेटिंग किसान मजदूर बनाते हैं, आज उन्हें हमारी जरूरत है, रेटिंग के बारे में मत सोचिए, हिंदुस्तान की रेटिंग हिंदुस्तान के लोगों से है। राहुल गांधी ने कहा है कि पैकेज में कर्ज की बात की गई है लेकिन इससे मांग नहीं होगी शुरू। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार को पैकेज पर फिर से करना चाहिए विचार, उसमें मांग को शुरू करने के लिए एक सेक्शन डालना चाहिए, पैसा देने की जरूरत है, अगर ऐसा नहीं किया तो बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है।